निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय। जहां एक तरफ हरियाणा सरकार अपने 100 दिनों के कामों को गिना रही है, तो वहीं आज भी प्रदेश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के गोची इलाके में लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। जी हां, गोची क्षेत्र में ना तो पक्की सड़क है और ना पीने का पानी। गंदे पानी की निकासी नहीं होने से घरों का पानी कच्ची सड़कों पर जमा रहता है, जिससे यहां से निकलने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दिखाई दे रहा यह नजारा फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले गोची इलाके का है, जहां पर लोग पिछले लंबे सालों से चुने हुए प्रतिनिधियों से यहाँ की सड़कों को बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुध लेने वाला नहीं है। लोगों का कहना है कि सड़क और गंदे पानी की निकासी की मांग को लेकर काफी बार नगर निगम फरीदाबाद और स्थानीय पार्षद को शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन उनकी परेशानी की ओर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। हर समय कच्ची सड़क पर गंदा पानी जमा रहता है, जिसके चलते यहां से पैदल निकलने में भी परेशानी होती है। इतना ही नहीं, सीवर ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिनके ढक्कन भी खुले पड़े हैं, जिसके कारण आए दिन बच्चे उसमें गिरते रहते हैं। इतनी समस्या है कि हमारा जो एनआईटी विधानसभा 86 है, हमारे यहाँ 86 के भाग्य इतने कमजोर रहे हैं। पहला हमने जो प्रतिनिधि चुन के अपने विश्वास पात्र समझ के उनको चुन के भेजा विधानसभा में, उन्होंने कुछ काम जो हमारे बीच में कराए उनका बहुत धन्यवाद रहा। फिर हमारे बीच में एक ललिता पार्षद यादव जी आई वार्ड नंबर 5 से जी, अब वो जब भी जाते हैं ये बहाना लगा देती हैं कि भाई तुम्हारी कॉलोनी पास नहीं है, कि पैसा नहीं आ रहा है, कि बिल पास नहीं हो रहे हैं। तो ये तो उनकी अपनी लीला है, हम क्या जाने। परेशानी तो यहाँ पे गांव के लोग अलग हैं परेशान, और आने जाने वाले जो लोग हैं वो अलग परेशान हैं। यहाँ पे ये जो सड़क है सोना रोड से गोची की तरफ ये आती है, जीवन नगर को टच करते हुए गोची गाँव में आती है, यहाँ से निकलने सरूरपुर भी जाते हैं। पर जो ये सीवरों के जो ये भरे पानी से इतना परेशान है पब्लिक, हमारी माताएं बहनें बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर बच्चे का कल इसमें हाथ टूटा है, सीवर में वो कल गिरा है तो उसका हाथ भी टूटा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा ललिता यादव ने तो यहाँ ध्यान दिया नहीं है वार्ड नंबर 5 में, ये मैं नहीं कहूँगा, ये सब जो लेडीज है वो बता देंगी। फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 के गोची क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे लोगों ने नगर निगम फरीदाबाद और जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि प्रशासन से काफी बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। लोगों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में सड़क को जाम कर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करेंगे। सारे परेशानी हमें तो बहुत परेशानी, सीवर की परेशानी, सारा पानी भरो गंदो टंकी में गंदो पानी आ रहा हो, ना सब्जी के ना रोटी के ना काई में मिला, ना नहाने के ना धोने के, तो गंदो पानी आ रहा हो, बीमार हो रहे हैं। कहाँ थे गरीब आदमी, कहाँ थे बच्चा ने दिखाएंगे कि हम खाना खाएंगे। बात करते हैं सरकार, लेकिन यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है रहा था। कौन पार्क में लिख रो जाना बच्चा गिर जामे सगुरन के, मोल पानी पी रहे गरीब आदमी, मोल पानी कहाँ तक पियेंगे। जो हमारे यहाँ की पार्षद है ललिता यादव, अक्सर उस पर हमारे बस्ती के लोग माता बहने जाती है तो कहती है कि तुम लोगों ने हमें वोट कितनी दी है, तुम लोगों ने तो हमें 80 वोट दिए और मैं मेरे वार्ड नहीं आता। इधर वार्ड नंबर 1 में भी ऐसा ही होता है, और आने वाले पिछले पंद्रह सालों से हमने यही देखा है कि सीवर नाली परेशानी, कोई हम NRC या CA का विरोध तो कर नहीं रहे, हम तो खाली अपना विकास का मुद्दा उठा रहे हैं। और मैं अपने मंत्री जी सांसद कृष्णपाल गुर्जर से भी कहूँगा और विधायक नीरज शर्मा से भी यही कहूँगा कि कृपया गोची आकर देखें कि जो वार्ड का और चंडीगढ़ में नंबर 1 गांव है गांव गोची, उसकी हालत कितनी गंदी है। यहां से तो अच्छे सरपंची के गांव है, जाके देखो एक बार। नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय।
Thank you for watching our video. Please like our video and subscribe to our channel and hit the bell icon.